रेशम के कम दाम मिलने से नाराज जम्मू कश्मीर के किसान अब सड़कों पर उतर आए हैं। रामबन जिले में गुस्साए किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। किसानों का आरोप है कि सेरिकल्चर विभाग उनके साथ मनमानी कर रहा है। व्यापारियों की इनकी मिली भक्ति है, वो मिली भक्ति हमें नहीं चाहिए। सुबह के हम 8 बजे आए, भूखे हैं, अभी तक भी हमारी धोती का हिसाब और रेट नहीं लग रहा है सही। औरतों को बेचारियों को धकेलना चाहता है, बड़ी शर्म की बात है। सेरिकल्चर विभाग के लेकिन बड़े अफसर तक अगर ये बात मानेंगे तो यहाँ का इंसाफ हमें जरूर मिलेगा। दरअसल किसान जब रेशम लेकर सेरिकल्चर विभाग पर पहुंचे तो विभाग ने किसानों की उम्मीद से काफी कम दाम बताया। इसके बाद किसान भड़क गए, लेकिन प्रशासन अपनी सीमाएं बताकर मामले से पल्ला झाड़ रहा है। बनारस खड़ी के लिए वहाँ भी हमें ऐसी प्रॉब्लम्स कुछ आई, लोग क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं मतलब जिनकी जो क्रॉप है हमें इसे 1000 से ऊपर मतलब ये रेट मिल जाए, लेकिन ये जो ठेकेदार हमारी ये ओपन ऑक्शन बनी है, इसमें मतलब राज्य के और जिलों में भी किसान रेशम के कम दाम मिलने का विरोध कर रहे हैं। हालांकि किसानों का प्रदर्शन बढ़ता देख आनंद फानन में डीएसपी ने सेरिकल्चर विभाग के अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत कराई, लेकिन किसानों का साफ कहना है कि जब तक उचित दाम नहीं मिलेगा वो आंदोलन वापस नहीं लेंगे। जम्मू कश्मीर के रामबन से अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद किसान। व्हाट्सएप पर हिंद किसान वेब चैनल देखने के लिए मिस कॉल दें 7683020370 पर।